हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो एटलीस्ट आपको 80% का आंसर इसमें से ज़रूर पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये वाला चैप्टर फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस के दौरान कौन सा ऐसा कांग्रेस प्रेसिडेंट था जो कि साइड लिया था कि हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, तो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद थे या फिर सुभाष चंद्र बोस थे। आपको बताना है कि इन चारों में से किसने जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस के दौरान जो है बोला था कि हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2000 में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो सेकंड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है उसके प्रेसिडेंट थे। एंड थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है वो लखनऊ में 1916 में मिले थे और लखनऊ पैक्ट को कंक्लूड किया था। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2004 में पूछा हुआ था एंड अगेन ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीसीएस में 2011 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हरिपुरा सेशन था जो कि 1938 में हुआ था उसको किसने प्रिसाइड किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने, जे बी कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2008 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि 1938 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के दौरान कौन प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, यानी कि अगर हम सिंपल वे में बोले तो सेम, दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना। इसमें भी 1938 में कौन सा सेशन हुआ था, हरिपुरा सेशन, यानी कि हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट कौन था आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस ने 2014 में पूछा था। तो आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है अगेन थोड़ा सा घुमा करके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में वही वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद या फिर वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि 1938 में कौन प्रिसाइड किया था, ओके, या फिर कौन प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो है बस एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में ही महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, यानी कि उसके प्रेसिडेंट थे, और वो सेशन कहाँ पे हुआ था, गया में, अमृतसर में, बेलगांव में या फिर कानपुर में। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2011 में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी, किसकी, कांग्रेस की एज अ प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट वुमेन सरोजनी नायडू थी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सी आर दास जब प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो उस समय प्रिजन में थे, यानी कि जेल में थे। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो फर्स्ट ब्रिटिश था जो कि कांग्रेस में एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था वो एओ ह्यूम थे। आपको बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं। एंड नेक्स्ट क्या है कि अल्फ्रेड वेब जो है वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट कांग्रेस में 1894 में इलेक्ट हुए थे। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर जिनको हम लोग डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोलते हैं या फिर एओ ह्यूम। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2015 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में, लाहौर में, पुणे में या फिर मुंबई में। ओके, आपको बताना है
फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2008 में पूछा था, यूपीपीसीएस ने एंड उत्तराखंड में 2007 में पूछा गया था, एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन को 1997 में पूछा हुआ था। आप देख सकते हो कि ये कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगेन ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ था, एंड ये क्वेश्चन क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने एस्टैब्लिश किया था, ए ओ ह्यूम ने, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, डब्ल्यू सी बैनर्जी ने, या फिर एनी बेसेंट ने। ओके, अब हम बात करते हैं आंसर्स का। तो देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो कि बोला था या फिर जो कि एडवोकेट कर रहा था कि हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये कब बोले थे, ये हरिपुरा सेशन में, हरिपुरा सेशन में, ओके, हरिपुरा के सेशन में जब सुभाष चंद्र बोस इसको प्रिसाइड कर रहे थे, तब उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इस चीज़ को बोला था। इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था ना, वो कलकत्ता में नहीं हुआ था, वो हुआ था आपका बॉम्बे में। एक्चुअली होने वाला तो वो पूना में था, लेकिन कॉलरा आउटब्रेक की वजह से वो पूना में नहीं हुआ एंड वो बॉम्बे में हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया एंड स्टेटमेंट नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर थ्री बिल्कुल सही है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि हरिपुरा सेशन जो था उसको सुभाष चंद्र बोस ने जो है प्रिसाइड किया था, तो इसका आंसर हो गया डी। अगेन सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि 1938 में मैंने आपको बताया कि हरिपुरा सेशन था 1938 में एंड इसको किसने प्रिसाइड किया था या फिर कौन इलेक्ट हुआ था एज अ प्रेसिडेंट, तो वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए महात्मा गांधी जो है बस एक सेशन में प्रिसाइड किए थे एंड वो था, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था आपका बेलगांव में। ओके, आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए इसको यूपीएससी ने पूछा था एंड थोड़ा सा इसमें से दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए सरोजिनी नायडू जो थी ना, वो फर्स्ट इंडियन वोमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड की थी, लेकिन यहाँ पे इंडियन वोमेन नहीं लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट वोमेन लिखा है, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। ओके, आपको ये चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट वोमेन थी एनी बेसेंट एंड फर्स्ट इंडियन वोमेन थी आपकी सरोजिनी नायडू, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। एंड ये दोनों, ये वाला स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो जी हाँ, सी आर दास उस समय जो है प्रिजन में थे जब वो एज अ प्रेजिडेंट कांग्रेस का फंक्शन किए थे। बात करते हैं इस स्टेटमेंट का, देखिए एओ ह्यूम है ना, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था। ओके, ना कि वो कभी भी प्रिसाइड नहीं की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एओ ह्यूम बस इस्टेब्लिश किए थे एंड ये प्रिसाइड नहीं किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा टू एंड फोर, यानी कि बी। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, एओ ह्यूम ने। दादा भाई नौरोजी जो है वो सेकंड प्रेसिडेंट थे। ओके, आपको ये तीन चीज तो इस ऑप्शन से याद हो जानी चाहिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट, एस्टेब्लिश किसने किया था एंड सेकंड प्रेसिडेंट। ओके, बात करते हैं फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में। ओके, अब मैंने आपको बता दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने एस्टेब्लिश किया था, वो थे आपके एओ ह्यूम। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।